अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड होप यू आर ऑल डूइंग वेल एट योर ओन प्लेसेस। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रू एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस। वट एवर चेंजेस वी गेट इन टू आर बिहेवियर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस, दैट इज नोन एज लर्निंग। बट देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग अलॉट, एंड an examination of this definition can be revealed. What definition? That the learning is the process of the which relatively brings a permanent change of the learner through experiences or practices. So there are some of the things which can define this definition in a proper way. That is the learner whose behavior is to be changed or modified. वो learner जिसका behavior change करना हो या modify करना हो तो उसको क्या करना है? He has to experience some of the things, observe some of the things, and through training we have to modify the learner's behavior through experience or training, and the man and material resources needed for providing desired experience and training. So therefore the failure or success of the learning is in terms of introducing desired modifications of the behavior to a learner will automatically depend upon the quality and the management of the factor associated with the elements. अब अगर किसी learner को behavior अपना change करना है तो we need to give him or her a proper training, proper modifications, proper trainings, proper practices, so that the learner can easily modify his or her behavior. So that modification, that this proper learning, proper training is given through some of the factors that affect our learning, and that is first is learner's physical and mental health. पहली ही बात ये है कि इंसान का दिमागी और जिस्मानी तवाज़ुन जो है वो ठीक होना चाहिए। अब इंसान फिज़िकली बीमार है, ख़ुद पहले वो ठीक हो जाएगा कि पहले वो सीखने जाएगा कुछ, नंबर वन। नंबर टू, जिसका दिमाग ही ख़राब हो, दिमाग से वो बीमार हो, वो कैसे ठीक होगा, मतलब वो क्या सीखेगा? तो दोनों चीज़ें जो हैं, चाहे फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है फॉर अ लर्नर टू लर्न समथिंग। सो दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट आर लर्निंग। लर्निंग इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एट द टाइम ऑफ लर्निंग। अगर एक छोटा सा सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, इंसान साहब छोड़ छाड़ के पहले अपने सर दर्द या पेट दर्द ठीक करेगा, लेकिन इट क्रिएट्स अ हैवक इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। अगर किसी इंसान के सर में मामूली सा सर दर्द हो, वो पहले सीखने जाएगा कुछ, अगर ड्राइविंग ही सीख रहा हो या खाना बनाना ही सीख रहा हो, वो उसको तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, पहले वो अपना सर दर्द ठीक करेगा, बाद में बाकी चीज़ करेगा। दैट इज़ वाई इंसान जो है पहले उसकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ सीख सकता है। तो पहले अपना आप आता है, अपनी केयर आती है, बाद में बाकी सारा आता है। अ चाइल्ड हु डज नॉट मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल हेल्थ हैव टू सफ़र, सो देयर आर नो गेन्स इन हिज लर्निंग। पर सिमिलरली अगर मेंटल स्टेट भी ख़राब हो तो उससे क्या होता है, हमारी जो एक टेंस सिचुएशन अगर हो, दिमाग उधर इधर सोचने लगे या इमोशनली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, लर्नर कैन नॉट शो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन लर्निंग। अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान मेंटली फिट नहीं है या इमोशनली इन उस स्टेट में नहीं है कि वो कुछ करे, तो वो ना उस सब्ज़ी में मज़ा होगा, ना वो उस काम में मज़ा होगा जो वो उस टाइम कर रहा हो, ना ही कोई आउटकम आएगा पॉजिटिव या सेटिस्फैक्ट्री। तो दैट इज़ वाई लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट्स लर्निंग। अनदर इज़ बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। कोई बेसिक पोटेंशियल का मतलब है, आप जब हम क्लास में जाते हैं, पता होता है किस स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है और इनको कितना दिया जा सकता है, जितना ये ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन
जब किसी ये पता होता है कि किसका कितना पोटेंशियल, इनका बेसिक पोटेंशियल क्या है, कौन कितना ले सकता है स्टूडेंट या कौन कितना टीचर दे सकता है, ये पोटेंशियल पे डिपेंड होता है। दैट इज़ व्हाट द रिजल्ट अचीव्ड बाय द लर्नर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन बेसिक पोटेंशियल टू अंडरगो सच लर्निंग। सपोज लर्नर्स इनेट एबिलिटी एंड कैपेसिटी फॉर लर्निंग ए थिंग, ही शुड बी ए कैपेबल और शी शुड बी कैपेबल ऑफ लर्निंग ए थिंग। पहले विल पावर होना चाहिए सीखने के लिए, पोटेंशियल होना चाहिए सीखने के लिए, जनरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। अब किसी को जब कोई बच्चा जाता है इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में, एटलीस्ट उसको घर में तो ABCD पढ़ाया जाता है, बाकी कुछ पढ़ाया जाता है, तब जाके कि वो ऐसे ही बेड से उठाकर स्कूल की चेयर पे उसको तो नहीं बिठाएंगे ना। घर पे उसको सिखाया जाता है कि आज इंटरव्यू है, उधर ऐसे ऐसे पूछेंगे। फिर अगर उसमें से उसने 1-2% ही सीखा हो, कुछ बोलने काबिल तो रहता है वो स्टूडेंट, वो बच्चा स्कूल में जिस बिहाफ पे उसका एडमिशन हो जाता है, दैट मीन्स उसमें कुछ बेसिक पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से वो कुछ सीखता है। बाकी फिर उसी पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए फिर बाद में उसको स्कूल में डालते हैं ताकि उसका पोटेंशियल दिन ब दिन बढ़ जाए, कम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सके। लर्नर्स बेसिक इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग ऑन एरिया। एंड सबसे बड़ी बात, लर्नर को कोई चीज़ सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं आफ्टर 12th आपको क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना आफ्टर 10th, तो जिसमें इंटरेस्ट हो वही लेगा। अब जिसमें डिसइंटरेस्ट हो और किसी ज़बर फोर्सफुली उसको कोई सब्जेक्ट दिया जाए तो ना ही वो अच्छा सेटिस्फैक्ट्री आउटकम देगा और ख़ुद तो वो डिस्टर्ब ही रहेगा, और जिन्होंने उसको थमाया है ये सब्जेक्ट वो भी डिस्टर्ब रहेंगे कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा है। दैट इज़ वाई लर्नर को कुछ सीखने के लिए इंटरेस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अनदर फैक्टर विच इफेक्ट्स लर्निंग इज़ द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। लर्निंग इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड नेचर ऑफ द अचीवमेंट मोटिवेशन पोजेस्ड बाई अ लर्नर। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट लर्नर टू अचीव अ थिंग फॉर विच ही हैज़ नो एस्पिरेशन। कोई चीज़ सीखने के लिए एस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की, एस्पिरेशन की, अचीवमेंट की, मोटिवेशन की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी को आप मोटिवेट ही नहीं करेंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, हाँ ऐसे बोलेंगे कि हाँ वो करो वो ठीक है, अरे पहले इसको समझाओ तो सही कि अगर ये चीज़ ये करेगा इसमें इसका कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, इसको मोटिवेट करो, तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट इसको आएगा ये चीज़ करने में, तभी जाके कोई चीज़ कर सकता है। सो एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लर्नर टू लर्न समथिंग। Another important factor that affects learning, that is goals of life and the philosophy of immediate as well as ultimate goals of one's life affect the process and product of learning. हर किसी की ज़िंदगी में कोई गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए वो इंसान कुछ लर्न करता है, कुछ सीखता है ज़िंदगी से ताकि वो गोल अचीव करे। जब किसी को गोल ही नहीं होगा उसको सीखने की क्या ज़रूरत है। जब किसी इंसान को कोई गोल ही नहीं, अगर अभी कोई एग्ज़ाम देता है उसको पता है मुझे किसी को गोल होता है मुझे डिस्टिंक्शन लानी है, किसी को गोल होता है मुझे डिवीज़न लानी है, किसी को गोल होता है मुझे पोजीशन लानी है, तो जब कोई गोल बनाया है तब जाके उस चीज़ की ओर बढ़ने की ओर वो मेहनत करता है, कुछ सीखता है, फिर जाके वो वहाँ पहुँचता है। अब किसी को पता है पढ़ना है, पास हो तो ठीक है, नहीं भी हो वो भी चलेगा, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ विदाउट गोल्स, तो वो ना ही वो कुछ सीख सकता है और जितना है वो भी उसको खोना है। दैट इज़ वाई गोल्स ऑफ लाइफ इफेक्ट्स, इट इज़ दैट फैक्टर विच ऑल्सो इफेक्ट्स द लर्नर लर्न एसोसिएट, इट इज़ दैट फैक्टर विच इफेक्ट द लर्नर विद द लर्निंग। अनदर इज़ रेडीनेस एंड विल पावर, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स लर्निंग। No power on earth can help a learner if he is not ready to learn. अगर किसी इंसान को ड्राइव करना सीखना है, जब तक उसको खुद नहीं सीखना होगा तब तक वो नहीं सीख सकता है। किसी को सब्ज़ी बनानी है, जब तक वो खुद नहीं बनाए सीखने का विल पावर नहीं हो। किसी को पढ़ना है, जब तक उसको विल पावर नहीं है पढ़ने का, शौक नहीं है पढ़ने का, वो नहीं पढ़ेगा। उसको चाहे कुछ भी करो आप, वो नहीं पढ़ेगा, ना ही वो कुछ सीख सकता है। जिस इंसान को विल पावर ना हो टू लर्न ए थिंग वो नहीं कुछ सीख सकता। अब जिसको विल पावर हो देन ऑटोमेटिकली ही विल हिमसेल्फ फाइंड वेज फॉर इफेक्टिव लर्निंग। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स विच
are associated with the learner and which affects the learning a lot. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so much.